माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 चल रहा है अभी हमारा, और आगे एक्सरसाइज में से थोड़े संस्कार। जो थियोरी पोर्शन बाकी है वो सब थियोरी है, नॉर्मल कॉमन थियोरी है कि मतलब जो हमारा स्पेक्ट्रम है, लाइट का स्पेक्ट्रम, उसके साथ में जो और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो सब के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेनी है, वो हम लोग एक दो लेक्चर में खत्म कर देंगे, राइट। तो नेक्स्ट, अभी हम लोग पेज नंबर 285, वी आर गोइंग टू एंड ऑफ द चैप्टर, ओके, रिसेंटली एंड पार्ट 1, राइट, लास्ट टाइम भी बोला था। सो इट इज 285। नाउ 8.1 नंबर क्वेश्चन, फिगर 8.6 shows a capacitor made of the two circular plates each of radius 12 cm। दो सर्कुलर प्लेट से एक कैपेसिटर बनाया है बच्चों, ऐसा, राइट, और उसकी रेडियस कितनी है आपको बताया है, ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। सो रेडियस को अगर मैं आर बोल दू बच्चों, तो आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सो इट इज 0.12 मीटर। वेरी गुड। एंड सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर, मतलब दो प्लेट के बीच का ये अगर डिस्टेंस बताया जाए डी, तो ये डी है, डी है ना, सो दिस डी इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन 0.05 मीटर, राइट। द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स नॉट शोन इन द फिगर, ये डायग्राम में नहीं बताया है, राइट। द चार्जिंग करंट इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू 0.15 एम्पियर, बच्चों करंट दिया है आई एंड इट इज 0.15 एम्पियर। चार्जिंग करंट बोला है बच्चों, चार्जिंग करंट जो बाहर की एक्सटर्नल सर्किट होती है ना, उसमें से जाता है, तो वो करंट को हम लोग नाम देंगे कंडक्शन करंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दी आईसी, तो अभी मैं इसको आईसी भी बोल सकता हूं, है ना। ओके, नंबर 1 क्या पूछा है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो थोड़ा बहुत डायग्राम में उन लोगों ने कुछ नहीं दिया, देख लो यहां पर, है ना। तो सबसे पहले ए के अंदर क्या चाहिए बच्चों, कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू एप्साइलॉन नॉट ए अपॉन डी, राइट, बहुत इजी हो जाएगा, एप्साइलॉन नॉट, ए का मतलब पाई आर स्क्वायर, अभी रेडियस को मैंने कैपिटल आर लिखा है, तो कैपिटल आर अपॉन डी, अभी सब वैल्यू रख देते हैं बच्चों, सो सी इज इक्वल टू एप्साइलॉन नॉट 8.85 10 टू द पावर माइनस 12, देन पाई, दिस इज 3.14 एंड आर, आर मतलब रेडियस, सो 0.12 स्क्वायर, है ना, देन इट इज डिवाइडिंग बाय डी, तो डी का मतलब होता है बच्चों 0.05। नाउ यू सिंप्लीफाई दिस वन कैलकुलेटर से, करोगे ना पक्का, वेरी गुड। सो उसका आंसर मिलता है, इट इज 80 इंटू 10 to the power -12, थोड़ा बहुत ध्यान करके, है ना, इट इज इन फैरड, सो इट इज 80 PF, पीको फैरड, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। अभी सेकेंड क्वेश्चन पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, मतलब क्या हुआ पता बच्चों, डीवी बाय डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, मतलब ये दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे इंक्रीज होगा ना, वो क्या होगा, वो चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास ए के अंदर ही सॉल्यूशन चाहिए ना। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं पता है, एज यू नो दैट सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, और यू कैन राइट डायरेक्टली क्यू इज इक्वल टू सी इन टू वी। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट दिस वन विद रिस्पेक्ट टू डी, सो इट इज डी क्यू बाय डी टी, सो इट इज इक्वल टू सी इन टू डीवी बाय डी, but this is the charge which is on the plate of the two capacitor, so here you can say that here this dq by dt it is equal to, you can write I, or better you can write ic, so therefore it is equal to, okay, so this is I and it is equal to c into dv by dt, my dear friends you want this one, so therefore dv by dt is equal to, you can write I upon c, right। अभी बच्चों I तो आपके पास है ना 0.15 and then divide by c, आपको वही find out करना है potential difference, rate of change of potential difference between the plates, so c,
So C capacitance 80 into 10 to the power minus 12. कैलकुलेशन करो तो मालूम पड़ेगा कि कितना बड़ा चेंज होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस का. सो योर आंसर इज 1.875. सो दिस आंसर डीवी बाई डीटी इज 1.875 इंटू 10 टू द पावर 9 वोल्ट पर सेकेंड. मैंने कई बार आपको बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि मेरे पास ये कैलकुलेशन यहां पर किया हुआ है तो मैं लिख देता हूं, देखकर ही लिख रहा हूं, बकायदा बोल देता हूं मैं आपको. लेकिन एग्जाम आपको देनी है तो आपको ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे ना तो पहला वाला आंसर क्या आएगा पता है? इट इज इक्वल टू इंटू 10 टू द पावर 12 आएगा, देख लेना. और ये सब डेसिमल के साथ में जाएगा 0.0 करके और फिर बाद में यहां पर आओगे आप. एग्जाम में यही आंसर आपको मिलेगा, यहां से यहां पर आना पड़ेगा. बच्चे यहां से डायरेक्ट यहां पर जंप मार लेते हैं, नुकसान आपका है बच्चों. सो प्लीज, मैं हर बार जब कैलकुलेशन आता है तो हर एक टाइम के ऊपर बोलता हूं कि आप कैलकुलेशन करो, आपका फायदा है, कैलकुलेटर से करना है यार. और आपको मालूम है JEE नीट के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. तो ऐसे कैलकुलेशन आपको रफ करके आंसर पे पहुंचना है और वो भी एक मिनट जितने टाइम के अंदर. फिर तो आपको थोड़ा स्किल बढ़ाना पड़ता है ना. ओके, वेरी गुड. आप सब हां बोल रहे हो, बहुत बढ़िया है ना. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, पेज नंबर 286 के ऊपर हमारे पास दूसरा एक क्वेश्चन है. क्या है बच्चों? देखो बी में. सो नाउ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस बी. क्या पूछा है बच्चों बी में, देखते हैं, है ना. देख ले. ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द टू प्लेट्स. दो प्लेट के बीच में क्या चाहिए अभी हमको? डिस्प्लेसमेंट करंट. एंड यू नो व्हाट अबाउट द फॉर्मूला ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट. तो लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट करंट ID इज इक्वल टू एप्साइलॉन नॉट d phi E by dt. बट यू नो फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स एप्साइलॉन नॉट d by dt ऑफ A into E. ए इज द एरिया ऑफ द टू प्लेट्स एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो नाउ आई जस्ट राइट ID इज इक्वल टू एप्साइलॉन नॉट एंड d by dt ऑफ A. वट इज ई? ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्साइलॉन नॉट. आप बोलोगे सर ये लाए कहां से? जाओ चैप्टर नंबर 2 में, जब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनाया था, जाओ उसके अंदर, आपको मालूम है. तो मैं यहां पर लिख देता हूं पहला वाला बात कि फाई ई इज इक्वल टू ए टी, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्साइलॉन. बच्चों ये एप्साइलॉन नॉट गया, कांस्टेंट है ना. साथ में ऑल्सो ए इंटू सिग्मा इज इक्वल टू, तो क्यू हो जाता है ना. क्यों ऐसा लिखा मैंने? तो आपको मालूम है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चैप्टर नंबर 1. ओके प्यारे बच्चों, तो अभी ये हो गया ID इज इक्वल टू dQ by dt, है ना. सो देयरफॉर दिस ID इज इक्वल टू IC. ये तो IC है ना, बताया आपको dQ by dt I. तो आप यही उठा लो, आपका आंसर बन गया 0.15 एम्पियर. मतलब दोनों का वैल्यू सेम है. अगर दोनों सेम है तो उसके अंदर ही थर्ड क्वेश्चन है, देखते हैं ना. इज द किरचॉफ फर्स्ट रूल दैट इज द जंक्शन रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, एक्सप्लेन. सो इसका आंसर होता है सी का आंसर होता है यस. मैं लिख रहा हूं, बताता हूं, लिखना आपको है, मैं नहीं लिख रहा हूं. यहां पर डिस्क्रिप्शन बता देता हूं क्या है. एट ईच पॉइंट ऑफ द टू प्लेट्स आइधर वन, दोनों में से किसी एक को ले लो, आइधर प्लेट्स, द किरचॉफ फर्स्ट रूल जंक्शन रूल, यू नो जंक्शन रूल, व्हाट एवर द करंट अपीयर्स एट द जंक्शन द सेम अमाउंट ऑफ करंट लीव द जंक्शन. दोनों का वैल्यू सेम होता है. बस यही चीज यहां पर भी होती है, जितना करंट यहां पर कंडक्शन आया उतना ही यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट जाएगा. ये बात कब तक सही है पता है?
जब तक ये कैपेसिटर की प्लेट एकदम से फुल्ली चार्ज ना हो जाए उसके बाद में. रीजन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट उसके बाद में बंद हो जाता है. सो यू कैन जस्ट से, आपको जो मैंने लास्ट में बताया वो लिखना नहीं, आपको लिखना क्या है, यस द किरचॉफ फर्स्ट रूल, दैट इज द जंक्शन रूल, इज ओबेड ऑन आइदर प्लेट्स. Whatever the conduction current reach at the plate, same amount of the displacement current will appear between the two plates. That's it. हो गई बात. Fine. Okay, बच्चों, page number 286 पर exercise में से second number. क्या बताता है देखो. A parallel plate capacitor shown in the figure number 8.7. Okay. Made of circular plate of each of radius 6 centimeter. पहले मैं बता दूँ आपको diagram से, है ना? कैसा है डायग्राम? तो ऐसी दो प्लेट्स आपको सर्कुलर फॉर्म में बताई गई है, राइट? ओके, दोनों प्लेट को कोई पोटेंशियल से जोड़ दिया है ना? और वो पोटेंशियल कैसा है देखा आपने? एसी है ना? राइट. सो ये हो गई आपके क्वेश्चन की सर्किट, करेक्ट? वेरी गुड, राइट? दिस इज द एसी सर्किट. Now, जो डेटा आपको दिया है वो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं. सबसे पहले रेडियस R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. सो R इज गिवन टू यू 6 सेंटीमीटर, 0.06 मीटर, राइट? देन आफ्टर इट्स कैपेसिटेंस इज 100 PF. ओके, C इज इक्वल टू 100 PF का मतलब मिली, माइक्रो, नैनो एंड पिको. सो इट इज 10 to the power -12. ओके, फेर. सो दिस यू कैन राइट 10 to the power -10 फेर. उसके बाद द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट एसी सप्लाई. सप्लाई का वोल्टेज मतलब बच्चों VRMS, एंड इट इज 230, राइट? सो इट इज 230 वोल्ट. देन सप्लाई, ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 300 ओमेगा, इट इज इक्वल टू 300 रेडियन पर सेकेंड, करेक्ट? व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट? सबसे पहली बात जो मुझे फाइंड आउट करनी है वो आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट. सॉरी, राइट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, IRMS is equal to what? It is equal to VRMS upon mod of Z. अभी तो सिर्फ कैपेसिटर है, तो VRMS upon XC. It is equal to VRMS upon 1 upon omega C. याद कर लो लास्ट वाला चैप्टर, सिर्फ कैपेसिटर के लिए XC is equal to 1 upon omega C. So, प्यारे बच्चों, IRMS is equal to VRMS into what? Into omega and into C. VRMS कितना है बच्चों? 230, right? Omega 300 and C, you just write this one or this one. दोनों में से कुछ भी लिखो, कोई issue नहीं, कोई problem नहीं है. -12. अभी देखो, 2, 4, 5 निकाल दो, यहां से एक नंबर आ जाएगा आपके पास, राइट? इनटू 10 to the power 5 निकाल दो, आपको मालूम पड़ जाएगा, बाकी का मल्टीप्लिकेशन कर दो. क्या बताया मैंने? कैलकुलेशन खुद कर लो, है ना? सो नाउ देयरफॉर IRMS इज इक्वल, मेरे पास है तो मैं लिख देता हूं, 6.9 × 10 to the power -6 एम्पीयर, राइट? तो आपको ये आंसर मिल गया मेरे प्यारे बच्चों IRMS का, करेक्ट? ना, दूसरा भी क्वेश्चन आपको पूछा है ना? अरे बाप रे, तीसरा भी पूछा है ना? करते आगे. ओके, इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट? कंडक्शन करंट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट. दोनों करंट सेम है या अलग अलग, वो चेक करना है. तो सबसे पहली बात, यू कैन से यस, आगे के थियोरी में भी प्रूव कर दिया. अभी तो एसी है बच्चों, डीसी होता तो कैपेसिटर की प्लेट चार्ज की चार्ज रह जाती, लेकिन यहां पे तो एक बार चार्ज डिस्चार्ज ऐसा चलता ही रहेगा. सो व्हाट कैन वी से? यस, द कंडक्शन करंट
which flowing through this part of the circuit, and the displacement current which is flowing between the two plates only. So the amount of conduction current is equal to the displacement current, and both are same. But the conduction current is flowing only the outer circuit, and the displacement current is between the two plates. आप बोलोगे सर ये दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन वायर कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी यस इट इज, फिर भी ये रहता है, और इसीलिए तो वेव थियरी मेरे सब हमको है ना. वेरी गुड प्यारे बच्चों. ओके तो थर्ड पे जा रहे हैं हम लोग, फिर थर्ड वन सी है ना. ओके क्या है, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड बी एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स. मतलब समझते हो बच्चों, देख ये एक्सिस हो गई है प्लेट की, अभी ये एक्सिस के ऊपर हमको करना क्या है, तो एक पॉइंट लेना है ऊपर नीचे इस तरफ इस तरफ, 3 सेंटीमीटर वाला पॉइंट लेना है. सो यू कैन कंसिडर दिस टाइप ऑफ लूप लाइक दिस. ये पॉइंट के ऊपर सब कुछ चाहिए मुझे, जो O इज द सेंटर एंड P इज दिस पॉइंट. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड हियर, राइट. अंदर कुछ बताया नहीं इसलिए हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, है ना. द स्मॉलर रेडियस R हियर, हियर दिस R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंड यू कैन राइट 3 × 10⁻². नाउ व्हाट आई वॉन्ट टू फाइंड, I want to find out the magnetic field here. But see, one more thing. The current ID, which is the displacement current, I want to consider from only this part. Right. So I just write the radius R. Iska radius kitna hai? R. And what about the radius of this one? It is R. To ye radius mein se kitna current pass hoga? To yaha se jitna aayega. लेकिन इसमें से कितना पास हो सकता है, तो इसका एरिया जितना होगा. तो मैं दो करंट को इक्वेट करके कुछ बता रहा हूं आपको, इट इज इक्वल टू, यहां पे लिख रहा हूं आई आर एन एस. आई डी कितने एरिया में से जाएगा, पाई आर स्क्वायर में से. आई आर एन एस करंट किस में से जाएगा, सो पाई आर स्क्वायर में से. फिर से एक बार बता देता हूं ये फॉर्मूला कैसे लिखा हो. द करंट विच पासिंग थ्रू दिस पार्ट इज जस्ट गिवन टू कंप्लीट प्लेट. So this current is nothing but IRMS, and it is passing through or given to this plate completely. So it is current divided by its area. Now, for the smaller portion, the current passing through this one, it is the displacement current, but not for the whole the plate, right? I have to consider this one only. So therefore, it is ID divided by pi R square. Correct? बड़ा वाला area, उसका current. छोटा वाला area, छोटू सा current. Now I want to make the formula for ID. Pi to cancel lena bachcho. So therefore, this ID is equal to, I write R upon R square, and then IRMS. So bachcho, mujhe kya milega? So mujhe milega ID is equal to R upon R, then square, and then RMS. Right? So this is my answer for the displacement. Now, I am applying the Maxwell Ampere's law for the slope. According to Maxwell Ampere's law, likhna padta hai ye sab kuch idhar. According to Maxwell and Ampere's law, kya likh sakta hu main? So I just write close integration vector B dot dl is equal to mu naught IC plus ID. But you can say IC is equal to zero and angle between B and DL is theta is equal to zero. So what I write here, close integration B DL cos zero mu naught zero plus ID. So your answer is mu naught and ID. So therefore, this can cancel. So therefore, you can take this B outside. Close integration DL, and this is equal to mu naught and ID. Therefore, this B into 2 pi R, because this is the circular loop that we are considering in the Ampere loop.
So this is equal to mu naught and Id. So your answer for B is equal to, you can say, mu naught Id divided by 2 pi r. This is your answer, my dear friend. And this is called number 3. Abhi ye mujhe D mila. But this B is not original B, because this is you are getting with the help of IRMS current. Aapne ye IRMS current se liya hai. So what I have to write? So I have to write it like this. So here, substitute this 2 in this 3. Right? So by using 2 in 3, kya milega? So therefore this B is equal to mu naught Id upon 2 pi r. Yes? What is Id? So this Id is equal to, you say, r square upon r square into IRMS. Ek r idhar se gone. तो अभी क्या बचा मेरे पास बच्चों? तो अभी बचा ये, देखो, mu naught Id r, ओके, सॉरी, मुझे तो Id का वैल्यू रखना था, है ना? तो आई कांट राइट Id हियर, है ना? समझ में आया? ये तो Id का वैल्यू रखा, सो आई नॉट राइट हियर Id, राइट? ओके, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, r इनटू IRMS, राइट? And it is 2 pi into r square. तो अभी प्यारे बच्चों ये IRMS हो गया. अभी ये IRMS हो जाता है तो क्या होगा? So you can say that this one is what? ये क्या हो जाएगा? बताइए मुझे. बताइए क्या होगा? So बताइए, ये होगा BRMS is equal to mu naught r IRMS upon 2 pi into r square. आप ऐसे करोगे तो चलेगा. If you want to write the same equation in the form of maximum current, आपको maximum current के साथ में, maximum magnetic field के साथ में लिखना है, तो ये हो जाएगा बच्चों, B naught is equal to mu naught r into I naught divided by 2 pi into r square. Right? तो अभी मैं I naught लाऊंगा कैसे? So you can say that, but how can I get this I RMS से I naught? So you can say that, but this I naught is equal to root 2 I RMS. Root 2 को root 2 रखो, I RMS already calculated है, 6.9 10 to the power minus 6. So again calculation आपके हाथ में आया है ना, इसका calculation करके बताओ answer. तो होगा 9.756 into 10 to the power minus 6 ampere. So this is I naught. If I substitute this here, so therefore this B naught is equal to mu naught 4 pi 10 to the power minus 7. Then small r, 3 wala. So 3 into 10 to the power minus 2 I naught, it is 9.756. into 10 to the power minus 6 divided by 2 pi into r square capital wala ye. So it is 0.06 ka square. Ye jayega idhar se do. Bas abhi final answer aapke haath mein hai. Aap calculate karke likh sakte ho. Right? So this is all about it. But ye sab प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ऐसा समझो. आप देख नहीं सकते लेकिन बता सकते हो कि यस, देयर मस्ट बी प्रेजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. कैलकुलेशन से बता रहे हो, ऐसे नहीं हवा हवा में बात कर रहे हैं. वी मस्ट शो एवरीथिंग विद सम एंड सम क्लियर कट कैलकुलेशन. तो इसीलिए मैक्सवेल ने जो कुछ भी बताया था वो हवा हवाई नहीं थी मेरे भाई. उन्होंने जो बताया था वो रियलिस्टिक है. रियलिस्टिक है कंप्लीटली. 6 सेंटीमीटर वाला ये प्लेट, 3 सेंटीमीटर वाला अंदर का लूप, तो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है भाई. प्रूफ आपके पास है. क्लियर ना? फाइन.
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे बच्चों 8.3 नंबर राइट, क्या दिया है, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम फॉर एक्सरे ऑफ वेवलेंथ, एक्सरे का वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 10^-10 मीटर राइट, एंड द रेड लाइट ऑफ द वेवलेंथ, क्या दिया है आपको, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ एंड दिस वेवलेंथ इज इक्वल टू 6800 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10^-10 मीटर, एंड रेडियो वेव ऑफ द वेवलेंथ, रेडियो वेव का मतलब जो वेव्स हम लोग नॉर्मली कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर यूज करते हैं उसको रेडियो वेव्स बोलते हैं, है ना. सो रेडियो वेव ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 500 मीटर डायरेक्टली दे दिया है. व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज सेम, तो यहां पर एक वर्ड यूज करना चाहिए उन लोगों को, नहीं किया है इसीलिए हम लोग मान लेते हैं. क्या कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए, वैक्यूम और फ्री स्पेस. तो यहां पर लिखना चाहिए इन फ्री स्पेस और यू कैन से इन द वैक्यूम फॉर ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स, the speed is same and this is c is equal to 3×10^8 meter per second. लेकिन अगर medium different है, हवा है और कोई मतलब glass medium है और कोई अलग अलग medium है तो ये speed change हो सकती है, इसीलिए बोलना चाहिए व्हाट फिजिकल क्वांटिटी के बाद में इन फ्री स्पेस व्हाट फिजिकल क्वांटिटी ऐसा कुछ रखा होता तो मतलब और क्लियर हो जाता. बस दिस इज द आंसर और कुछ नहीं लिखना है आपको.